नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पिछले कई वर्षों से खबरें तो ये आ रही थी कि बेरोजगारी के आंकड़ों में हरियाणा नंबर वन पर है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 30 लाख की जनसंख्या वाले मिलेनियम सिटी में युवाओं को बड़ी मेहनत करके 150 से ज्यादा युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत आज देश भर में करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पूरे देश भर में करीब 45 जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कड़ी में हरियाणा में गुरुग्राम और पंचकुला में रोजगार मेला लगाया गया। गुरुग्राम की सीआरपीएफ कैंप में आयोजित इनकम टैक्स विभाग द्वारा रोजगार मेले में करीब 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा दिए गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत तीसरा रोजगार मेला लगाया गया है। इसमें इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को तमाम सरकारी विभागों से नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन देखना यह होगा कि इतनी भारी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने से देश या प्रदेश में बेरोजगारी कितने निचले स्तर पर आ पाएगी। गुड़गांव के अंदर सीआरपीएफ कैंपस के अंदर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनकम टैक्स के अफसरान भी आए हुए हैं और जो रोज़गार प्राप्त किए हैं वो लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो गुड़गांव हरियाणा का सबसे समृद्ध देश शहर है, ज़िला है, और अभी मैं बात कर रहा था इनकम टैक्स वालों से कि कुल मिलाकर के जो हरियाणा के टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं उनकी 65% संख्या गुड़गांव के अंदर रहती है। तो अगर 50 करोड़ रुपया गुड़गांव अकेले से राजस्व जाता है, इनकम टैक्स जाता है भारत सरकार को, तो कुल हरियाणा से सिर्फ 55 करोड़ जाता है। तो 55 करोड़ हरियाणा का और 40 करोड़ के करीब हमारे इस गुड़गांव अकेले का जाता है। तो आज के दिन इस जगह के ऊपर ये रोज़गार मेला मेरे ख्याल से दुरुस्त लगा है और आने वाले समय के अंदर गुड़गांव भी उभर करके आएगा और आने वाले समय के अंदर गुड़गांव के जो बाशिंदे हैं, हरियाणा के जो बाशिंदे हैं, वो देश के ऊपर भी छा करके रहेंगे। देखिए, खिलाड़ियों को परेशान इस हद तक होना कि इनको धरने के ऊपर बैठने की आवश्यकता पड़ गई, मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर ना होता तो बेहतर था। खैर, अब उनकी बात सुनी जा रही है। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे मंत्री की तरफ से उनकी बातें सुनी गई हैं और उनको जायज़ हक दिलाने की और जस्टिस दिलाने की पूरी प्रक्रिया आज के दिन चालू है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए फटाफट से आपके अपने चैनल वायरल सच को आज ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।